Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and in this video we will discuss about two questions. First one is which mock test is best for upcoming IBPS PO and SBI PO. Second question is how many mocks we have to give in a one day or just before the exam. Okay, so without any other discussion, इन्हीं दो questions पर straightforward बात करते हैं. First question जहाँ तक है कि हमें कौन सा mock follow करना चाहिए, which mock is suitable और best one. So my answer is no, not anyone, कोई भी नहीं. एक particular से आप exam crack में भी हाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं, कुछ एक चांसेस होते हैं कि 1 to 2 or 5% स्टूडेंट्स जो कर पाएं, बट मोस्टली अगर हम बात करें तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हमें खुद को फ्लक्चुएट रखना पड़ता है. जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता एग्जाम किस लेवल पर और किस पैटर्न पर आ जाए और उसका स्टैंडर्ड क्या हो, लाइक इजी आए, मॉडरेट आए और हाई आए, तो हमें सब टाइप के मॉक्स चाहिए जिसमें हम खुद को फ्लक्चुएट रख पाए, जिसमें हम खुद को चेंज कर पाए. ठीक है, लाइक एक हमने मॉक इजी दिया तो उसमें हमारे क्या स्कोर लगा, दूसरी तरफ उसी साइड हमने उसी दिन हार्डेस्ट वन हमें लगाना पड़ गया तो हमारा क्या स्कोर रहा. ठीक है, उस टाइम में मैं फ्लक्चुएशन की बात कर रही हूँ. सो मैं बेसिकली बता देती हूँ मेरे मॉक जो मैं फॉलो करती हूँ, आप जो सुटेबल लगे आपको ठीक है, बट हाँ उसके बाद ये क्वेश्चन मत पूछना ये कर लें वो कर लें. या देखो मैं जो मॉक फॉलो करती हूँ मैं आपको हमेशा वही सजेस्ट करती हूँ. अब इनके अलावा जो आप मुझसे पूछ रहे हो तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो मैं यूज नहीं करती, तो मेरा उन पर नो कमेंट्स ही रहता है, क्योंकि मैं जब यूज ही नहीं करती हूँ हाउ कैन आई से कि दिस इज बेस्ट वन और दिस इज द वर्स्ट वन, मैं नहीं बात कर सकती ना उस चीज पर. सो फर्स्ट मैं बात करती हूँ जो थोड़े अगर बिगिनर्स रहते हैं या फिर हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज, जैसे अभी आईबीपीएस पीओ प्री हो जाएगा उसके बाद में मेंस के मॉक स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं स्टार्ट करूंगी देना, तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग हमेशा थोड़ा सा इजी वन से स्टार्ट करती हूँ. और हाँ अभी वो अच्छा लेवल उसका हो गया बट मुझे वो थोड़ा कम्फर्ट जोन में लगता है कि स्टार्टिंग उससे की जा सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल टेस्ट बुक की अगर हम बात करें, बिगिनर के लिए अच्छा है वो, अभी थोड़ा लेवल हाई हो गया है उसका, अच्छा कर रहे हैं, इट्स गुड वर्क. ओके, और लेकिन वो मेरे कंफर्ट जोन में, तो फर्स्ट वन टेस्ट बुक. तो टेस्ट बुक से हमेशा एक स्टार्टिंग फेज रहता है आपका और सेक्शनल में सारे के सारे टेस्ट बुक से ही कवर करती हूँ. अब बात करते हैं दूसरे मॉक की. टेस्ट बुक में जब आप 100% श्योर हो जाए कि नाउ आई एम परफॉर्मिंग गुड इन टेस्ट बुक, देन यू हैव टू स्विच ऑन द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट कौन सा रहना चाहिए, तो नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट यू हैव टू गो विद द पीएन प्रैक्टिस मॉक. ओके, एमलिमेशन हुआ है थोड़ा, मतलब उनका जो मिक्सअप हुआ है, पहले कुछ और था, अभी वो शायद ऑलिव ऑयल के साथ चले गए हैं, वॉट एवर जो भी है. तो मैं यही चाहूंगी कि पीएम के साथ जाओ. अब दूसरी बात ये कि ऑलिव के साथ मैं क्यों नहीं हूं, तो वो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, सो दैट्स वाई आई एम विद द पीएम. ओके, मैं ऑलिव के साथ क्यों नहीं, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म सेम तरह का ही काम करते हैं, सेम टाइप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ऑलिव ऑयल एंड पीएम, तो मैं पीएम के साथ क्यों हूँ, इसका आंसर ये है. मुझे वो थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता है कि आपको कॉस्टली कम पड़ता है और अच्छे में आप पूरे 1 ईयर का एक बार लो सब्सक्रिप्शन, आपका काम चल जाता है. ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड वन. तो हार्डेस्ट वन जो मैंने कहा मेरा फेवरेट है एसके स्मार्ट कीड़ा. ओके, तो स्मार्ट कीड़ा का ऐसा रहता है कि उसमें कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट नहीं होती है, लेकिन उसमें जो चीजें हैं मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिल्कुल एग्जाम पॉइंट में, जैसा एग्जाम टाइम में हमें मिलता है, एकदम एग्जाम का इंटरफेस दिखता है, और जो क्वेश्चंस हैं वो हार्डेस्ट साइड है. लाइक अभी मॉक पे लगा रहे होते हैं तो माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्रेशर मुझे चाहिए जिसके लिए जो एग्जाम में मैं उसको कोप अप कर पाऊं जिसके साथ, तो मैं लास्ट वन एसके के साथ. तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट वन टेस्ट बुक, सेकेंड पीएम एंड थर्ड वन इज एसके. ये सोर्सेज हैं, ये मॉक हैं जो आपके पास होने चाहिए, इनके अलावा कुछ है नहीं है, डजंट मैटर मेरे अकॉर्डिंग. ये तीन मॉक मेरे हमेशा तीन रहे हैं फर्स्ट डे से, तो फर्स्ट आज भी वही है. ओके, तीनों मॉक आपके पास होने चाहिए. और उसके बाद में हाँ ये हो सकता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाए एक आधा की, नहीं ये अगर दो से भी काम चल रहा है तो दो तो पक्के रखो ही रखो, अगर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो थर्ड वन मत लो, ऐसा हो सकता है. ठीक है, जैसे अब टेस्ट बुक है उसका पास काफी कम में आ जाता है, अगर 6 मंथ भी अब लेना चाहो, 6 मंथ सुटेबल है अभी के लिए, लेकिन पीएम है जैसे, तो वो 1 ईयर का 6 मंथ का आप जा सकते हो उसके साथ, तो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकली आपको थोड़ा सा सही से फॉलो करना है. ठीक है, उसको सोचकर आपको परचेज करनी है अगर किसी के पास नहीं है तीनों. अब हम बात करते हैं, प्लीज फोर्स में आकर मत करिएगा, मैं चीजें समझा रही हूँ. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें कितने मॉक जस्ट बिफोर द एग्जाम और इन अ वन डे आपको देना चाहिए. सो एक दिन में 6, 7, 5 मॉक लगाना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन.
आप एक दिन में 5 मॉक लगाओगे तो हर एक मॉक आपको 30, 20 और 20 मॉक प्रोवाइड करता है, मतलब 30, 20, 70, 70 मॉक्स होते हैं टोटल। आपका 14 डेज में सारे मॉक्स आपके पास खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट तो इसका जो आपको नुकसान होने वाला है वो ये होने वाला है, ओके, अगर आप एक दिन में 5-5 मॉक लगाने पर आ गए। सेकेंड थिंग ये कि 5 मॉक लगाना, इट मीन्स फर्स्ट में जो आपकी, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपको पता होगा यूटिलिटी खत्म हो जाती है उस चीज को करने की। फर्स्ट मॉक में हम बहुत फोकस होकर करते हैं, ठीक है, अच्छे से कर रहे होते हैं। सेकेंड मॉक में सेम सी रहती है, लेकिन थर्ड मॉक में कहीं ना कहीं वो डाउन जाती है। मुझे मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो मुझे थोड़ा आइडिया है इस चीज का। तो 5 मॉक तो नहीं, पर दिन में आप 3 मॉक, मैक्सिमम 3 मॉक्स के साथ जाओ, मिनिमम 2, 2 और 3, इनमें से जो आपको सुटेबल लगे, 2 तो लगानी लगानी है, 3 लगा पाओ, देन वेल एंड गुड, ओके, ये मॉक सबसे सही रहते हैं। अब बात करते हैं कि जस्ट बिफोर, मतलब बिफोर द एग्जाम आपके कितने मॉक्स हो जाने चाहिए। जैसे अगर बात करूं, मेरा एग्जाम है 16th ऑफ अक्टूबर को IBPS PO, उससे पहले मेरे कितने मतलब मॉक्स कंप्लीट होने चाहिए, तो अराउंड 50, ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन इन्हीं 15 से 20 दिनों में आपने 50 मॉक्स तो एटलीस्ट लगा लेने चाहिए, 45 to 50, और 40 to 50 आप ले लो जिसने अगर कम अभी लगा रखे है, तो इतने मॉक्स तो आप एटलीस्ट एग्जाम से पहले श्योर करके जाओ कि इतने मॉक्स पर मैंने प्रैक्टिस की है, ओके। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है एग्जाम करना, जस्ट बिकॉज मैं लास्ट ईयर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, हुआ था IBPS PO में मैंने सही से अच्छे से, SBI PO में क्या हुआ था, मेंस आ चुके थे क्योंकि मैंने सारे मेंस दिए थे एक्सेप्ट SBI PO प्री लास्ट ईयर, तो ऐसा हुआ कि मेंस का प्रेशर बहुत था, तो प्री पर मेरा थोड़ा सा कंसेंट कम हुआ, और जो बच्चा मेंस देता है उसको पता होगा जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो प्री में स्पीड कम हो जाती है। तो हुआ क्या कि मैंने मेंस प्री के जो SBI PO प्री के अभी भी मैंने देखे ये चीजें देखी, तो शायद मैंने 7 या 9 मॉक लगाए थे टोटली SBI PO प्री के, That was my mistake and I couldn't make it. मतलब मैंने नहीं, मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है वो गलती की मैंने। सो आप एग्जाम से 1 week पहले खुद को ऐसा कर लो कि मेंस का जो पोर्शन है वो सिर्फ करंट अफेयर्स रहे दिन का 2 या 3 घंटे, बाकी सारा आप प्री पर फोकस होकर करो, ओके। सो अभी फिलहाल आपको जो करना है, मैं यही कह रही हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप CA को 2 या 3 घंटे डेली दो, सिर्फ इतना ही दो, ज्यादा मत दो कि CA के क्विज भी लगानी है, वीडियोज भी देखनी है, नहीं, सेल्फ स्टडी करो 2 या 3 घंटे, उसके बाद जितना फोकस है प्री पर दो, प्री जिस दिन देकर आ जाओ उससे नेक्स्ट आपको मेंस के लिए लग जाना है, मेंस के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ये इस क्वेश्चन को माइंड में आए बगैर कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी अपॉर्चुनिटीज है, SBI PO, SBI क्लर्क है, मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो वहां भी काम ही आने वाली है आपके, तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलो एग्जाम से 5 या 7 दिन पहले, हफ्ते पहले मैं कहूंगी टोटली प्री, उससे पहले प्री प्लस मेंस चलना चाहिए आपका, ओके। सो 3 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं, कौन सा मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट, और प्री प्लस मेंस थोड़ा सा स्मार्टली उसके साथ कैसे चलिए, ओके। एंड होप सो आपके सारे मेरे लिए 2-3 जो बड़े बड़े डाउट्स रहते हैं ये क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके आंसर वहीं करूं, अदरवाइज वीडियोस तो हैं ही, ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।